मेक्सिको को बाय बाय एंड कनाडा इज ऑन. यस वी आर गोइंग कनाडा फ्रॉम मेक्सिको. अभी सीधा भसड़ हो गई है तो अपन एयरपोर्ट में मिलते हैं. मैं तो मेक्सिको आऊंगा. आप आएंगे फ्यूचर में? जरूर आएंगे, विजिट करेंगे. अच्छी कंट्री है, क्लीन है. और आप आएंगे शुभेंदु? आप मेक्सिको वापस आएंगे कभी? और वंश भाई आप मेक्सिको वापस आएंगे? तो अपन सब मेक्सिको वापस आएंगे और जरूर घूमने आएंगे, बिकॉज गुड प्लेस. पैसा है ना यहाँ पे तो ऐश है भाई, ऐश. बट अपन लोग का बजट थोड़ा टाइट था, नेक्स्ट टाइम बजट थोड़ा ज़्यादा रखें. चेक इन इज डन और अभी अपन को अपने गेट में जाना है. बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा, यस तुम्हारा भाई कनाडा जा रहा है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा पहली वाली स्लाइड में. तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा, प्लीज़ कैरी फॉरेक्स कार्ड और क्रेडिट कार्ड, प्रिफरेबली क्रेडिट कार्ड, बिकॉज यहाँ पे ना लगेज का जो एक्स्ट्रा पैसा देना होता है वो क्रेडिट कार्ड से ही होगा, कैश से नहीं होगा. तो अभी अपन अपने गेट चलते हैं, पहले भाई लोग अपना थोड़ा करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं, फिर अपन अपना गेट में जाएंगे और वहीं पे जाके वेट करेंगे. फ्लाइट 2 बजे है यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से. तो यस, कनाडा इज़ ऑन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू ऑल ऑफ माई वीडियोज़ ऑफ दिस ट्रैवल. तो अभी तो और गदर मचाना है अपन को यूट्यूब में. सिक्योरिटी चेक में ना कसम से ऐसा मारे हैं, मेरी पूरा बैग मेरा खुलवा दिया था और उसमें से मेरा मस्टर्ड ऑयल का जो बॉटल थी वो निकलवा दी. और लिटरली मतलब मैं तो परेशान हो गया, पूरा बैग खुलवा दिया. मैं बोला यार बड़ा परेशान कर दिया. फिर उन्होंने बोला 100 ml तक रख सकते हैं, 200 ml का है आपका. मैं फिर बिना आर्ग्यू किए मैंने बोला डाल लो अपने पिछवाड़े में, अपन अभी चलते हैं अंदर. यार हर टाइम मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, स्पेन में भी हुआ और इवन मेक्सिको में भी हुआ, इवन दुबई में भी हुआ कुछ कुछ. ठीक है अब चलो, फाइनल डेस्टिनेशन कनाडा इज़ ऑन, लेट्स गो बेबी. वो जो टोपियाँ लटकी है ना यहाँ मेक्सिको की, जो ट्रेडिशनल कैप है, वो मेरे को लेना था बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट लाइक $50 USD. तो लेना तो था बट क्या करूँगी. ये एयरपोर्ट में देखो पूरे इंडियन है, जितने मैक्सिकन नहीं है ना उससे ज़्यादा इंडियन है. ऐसा लग रहा है दिल्ली के एयरपोर्ट में आ गए ना. हमारे इंडिया के पॉपुलेशन का जो नज़ारा है वो हमको मैक्सिकन एयरपोर्ट में भी दिख रहा है. हाँ भाई, आप इसके बारे में क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? दिखे गए ना कनाडा वाले ही है सारे, इंडिया में मेक्सिको में जो भी इंडियंस दिखे कनाडा वाले ही है, सब जा रहे कनाडा है ना. और लिटरली मतलब मेक्सिकन लोगों को भी हमने वो कर दिया, पिछाड़ दिया इस एयरपोर्ट की पॉपुलेशन. एट द मोमेंट वी आर मोर देन एनी अदर. हाँ यहाँ पे फोड़ दिया एकदम. तो हम लोग का गेट नंबर कुछ चेंज हो गया है और वी डोंट नो अभी कौन सा नया गेट नंबर आया है. अभी आई थिंक दिस इज़ 24, 28 में था कुछ कन्फ्यूजन हो गया. तो अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है. क्या आप बचपन में सोचे थे कभी कनाडा जाएंगे? ज़रूर सोचा था भाई, मैं सोचा था ना, सोचा था एक बार था. मेरा कर रहा हूं मेरा ड्रीम था लंदन जाऊंगा, मेरा अमेरिका जाऊंगा, मून पे जा लेना है. मून पे वो तो तुम 2 पैक मारोगे तो पहुंच जाओगे. वैसे अपन उधर ही रहते हैं अभी के लिए, नीचे आया हूं. तो अभी फ्लाइट में जा रहे हैं, बोर्डिंग हो गया है एंड अनफॉर्चुनेटली सारे पैनल्स बंद हैं तो बाहर का फ्लाइट दिखेगा नहीं. क्या नहीं दिखेगा क्या? चलो देखते हैं. फ्लाइट नहीं दिखेगा. फ्लाइट
के अंदर आ गए हैं और मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकता आप लोग को कि मैं इतना खुश हूँ कि अब अपन अपने डेस्टिनेशन के बहुत पास आ गए हैं और इट इज़ लाइक अ ड्रीम विच इज़ कमिंग ट्रू बिकॉज लिटरली मैं बचपन से सोचता था कि कभी USA जाऊँगा, कभी कैनेडा जाऊँगा या कभी लंदन जाऊँगा. मेनली मेरा रहता था UK जाऊँगा, बट UK हो नहीं पाया तो कैनेडा इज़ ऑन. अभी 5-10 मिनट लगेगा टेक ऑफ होने में बिकॉज हम लोग का कुछ लगेज का प्रॉब्लम था. देर इज़ नो स्पेस टू कीप अवर स्टफ्स, सो दैट इज़ वाई दे आर टेकिंग सम टाइम टू फिक्स इट. ठीक है, कोई ना, थोड़ा और. This is not the correct pronunciation of this place, but अभी यहाँ पर हम लोग रुकेंगे एंड अभी मेन स्टेप है. अभी अपन को कस्टम से निकलना है और इमिग्रेशन से निकलना है बिकॉज दैट इज़ द मेन टास्क इन दिस काइंड ऑफ कंट्रीज लाइक अमेरिका, कैनेडा एंड ऑल, बिकॉज दे आर टू स्ट्रिंजेंट. तो उससे बच के अपन को सेफली अपने सिटी में उतरना है और फिर अपन क्या करेंगे वो तो आप लोग देखते ही रहोगे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म टाइप का दिया है फ्लाइट से उतरने के बाद. सो इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा फर्स्ट टाइम एज अ स्टूडेंट, यू विल गेट फॉर्म लाइक दिस. Finally, your brother got work permit for Canada and we are ready to roll, we are ready to disrupt. मतलब अच्छा लग रहा है यार, ये भी आराम से हो गया. जितनी कंट्री अपन घूमे सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मेन कंट्री में आके अपन अच्छे से फतेह हासिल कर लिए हैं. तो दिस इज़ योर ब्रदर का वर्क परमिट एंड आई विल स्टार्ट माय न्यू लाइफ इन दिस कंट्री. होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा यहाँ से जर्नी. एंड अभी हम लोग अपना दूसरा काम करेंगे, होटल जाएंगे, तो फटाफट वो भी कर लेता हूँ. कनाडा पहुंच के अपने घर से दूर अगर हमको घर जैसा कुछ खाना और नाश्ता मिल जाए तो बात ही अलग है. ये अपनी चाय है एंड इसके अंदर पता नहीं क्या क्या है, कुकीज़ और नाश्ता. कुकीज़ नाश्ता एंड दिस इज़ मैक्रून्स फ्रॉम लादुरी. तो भाई मतलब आते ही होम टाइप का फीलिंग आ रहा है. आइए, आपके लिए भी चाय अवेलेबल है. चाय अभी गर्म, अभी भी गर्म है. पानी नहीं है, आप चाय पीजिए और अपनी प्यास बुझाइए. आपको चाय चाहिए थी ना कल मेक्सिको में? चाय तो चाहिए थी, अभी पानी चाहिए. पहले चाय पी ले. अरे चाय जबरदस्त है भाई. चाय इतना देर एक डेढ़ घंटा बैठे थे फिर भी. क्या बात कर रहे हैं, अभी मेरे सामने निकाला चाय. मतलब ताबड़तोड़ चाय है, अदरक और इलायची का एक खतरनाक फ्लेवर है. अगर थोड़ी और गर्म हो जाती ना, अपन टाइम पे निकलते तो बाबा तुम ये नहीं पियोगे, हमको मालूम है. मैं कुछ बोला भी नहीं. गुड चाय, वेरी गुड चाय. वी आर आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड वी आर वेटिंग फॉर अवर शटल नाउ एंड वी विल गो अवर होटल. एंड या एज अ स्टूडेंट वी हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ इमिग्रेशन प्रोसेस, सो वी वर वेटिंग फॉर दैट और लाइन भी काफ़ी लंबी थी सो इसीलिए. तो अभी अपना होटल जाएंगे और बस जाके वहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे. फिलहाल के लिए यहाँ पे बैठते हैं 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं. होपफुली जल्दी आ जाएगा अपना शटल. इस जन्म पूरे इंतज़ार करने के बाद हमारा शटल आ गया. अभी हम होटल जाएंगे और जाके बस रेस्ट करेंगे. बहुत थक गया हूँ, ठंड एकदम अपने चरम पर है. आप देखो टोपी भी पहन ली अपन ने और शब्द कम है. खुशी बहुत हो रही है बट शक्ल में दिखाई नहीं दे रही बिकॉज थक गए, भूख भी लगी है. और ऐसा लग रहा है मेक्सिको से अपने होटल पहुँचने तक 1 किलो कम हो गया होगा हमारा, तो विच इज़ अ गुड थिंग. We are in hotel now and this hotel name is
हैम्पटन इन स्वीट्स बाय हिल्टन, और यही हमारा दो दिन के लिए घर है। अभी हम लोग 3 दिन पहले घर से निकले थे, 2 दिन मेक्सिको में रहे। अभी पूरा का पूरा शरीर इतना चूर चूर हो गया है, बट नई जगह आए हैं, लाइफ को नया एक रूप देने के लिए यहाँ आए हैं कनाडा, तो उसको सोच के बस एनर्जी आ जाती है बॉडी में। और अभी बस सोएंगे, पेट काफ़ी भरा हुआ है। हम लोग ने चाय भी पी ली थी, और वही आंटी जो थी जो मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉग के दिखाया था, उन्होंने ही कुछ स्नैक्स वैक्स भी दे दिए थे हम लोग को, वही खा के हम लोग ने पेट भर लिया। अभी सिर्फ सो जाएंगे। अगर मेरे भाई बहन लोग और मेरे दोस्त लोग जो भी हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बोल सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे बोल सकते हो, लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में। और आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज, अगर आप लोग को भी कनाडा आना है। अभी बहुत सारे वीडियोज़ और आएंगे, बट फिलहाल के लिए अभी जितना मेरे को पता होगा मैं बताऊंगा, बट मेरे को थोड़ा दुआ देना, बिकॉज़ हम लोग के पास घर भी नहीं है अभी कनाडा में रहने के लिए, तो घर भी मिल जाए और बहुत सारे काम है और सब कुछ आपको मिलता रहेगा मसाला, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, वीडियो लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, शेयर तो दबा के करना, बिकॉज़ तुम्हारा भाई एक नई ऊँचाइयों को छूने जा रहा है। और इसी के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलते थे। टेक केयर, थैंक यू सो मच। Live and let live. Peace. Rab rakha.